ठीक है, इस तरह से एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पे देखो ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, इसमें तो चिप बेस्ड ये आ रहा है, ठीक है। आजकल कैसे आ रही है, चिप बेस्ड कार्ड अलाउड हो रहे हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड थे ये क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं, किसे कुछ पता है, हाल ही के दिनों लाइक थे कि जितनी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड थे सब बंद हो गए। इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर क्या होता है, आपका जितना आपका अकाउंट का डेटा का इंफॉर्मेशन होता है सारे मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर स्टोर करा जाता है। आपका अकाउंट नंबर हो गया, जितनी आपकी डिटेल होती है ना एटीएम कार्ड में स्वाइप करते हैं, तो ये डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट करता है, बैंक से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी इसका डिटेल होता है अंदर वो इसको पल्सेस में कन्वर्ट करके कहां पे कनेक्ट करता है, डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब बेसिकली वो क्या रहता है, जितने भी आपके एटीएम्स थे, ठीक है, जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स पता है कौन होते हैं, जो कि इलीगल काम करते हैं, चोरी करते हैं, डिजिटल चोरी करते हैं, उनको हम हैकर बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हैकर्स क्या कर लेते हैं, एटीएम मशीन के अंदर एक स्कीमर डिवाइस लगाया जाता है। स्कीमर डिवाइस बेसिकली क्या होता है, जहां पे इसको स्वैप करते हो ना, ठीक है, वहां पे ग्रीन कलर का एक होता है जहां पे हम स्वैप करते हैं, तो उसी ग्रीन कलर के ऊपर जो डिवाइस होता है उसके ऊपर एक एडिशनल डिवाइस अटैच करा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसको स्वैप करोगे ना, ये जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप जो कार्ड होगा उस क्लोनिंग डिवाइस के अंदर स्कीमर के अंदर अटैच होगा, वो सारी इसकी इंफॉर्मेशन अपने डेटा में स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें डुप्लीकेट कार्ड भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब कार्ड की इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ली, चलो एक नई कार्ड भी बना दिया, बट उसको आपका पिन कैसे पता चलेगा कि पिन क्या है। अब बेसिकली होता क्या है, आप एटीएम में गए, ठीक है, आपने एक नकली कार्ड बना दिया, छापे पिन एंटर करते हो ना, एक बॉक्स होता है जैसे नंबर, जैसे कीपैड होता है, ठीक उस कीपैड के ऊपर एक ऐसे करता बंद होता है, कीपैड नीचे होता है, तो उसके ऊपर एक माइनर सा कैमरा फिट होता है, ठीक है। आप ऐसे पिन डाल दो तो कैमरा सारे आपके हाथों के मूवमेंट को, कौन से पिन पे कौन से फिंगर पे आप प्रेस कर रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एक माइनर से पिन जितना होता है ना, माइनर होल इतना माइनर होल उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो आपका कार्ड का डुप्लीकेट बन गया और उसका पिन भी पता चल गया, तो बिना ओटीपी के वो आपके बैंक का सारा पैसा उड़ा सकता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है ना एटीएम कार्ड, वो भी डुप्लीकेट रखा जाता है, उसके ठीक ऊपर ही एक डुप्लीकेट कार्ड लगा दिया जाता है। तो जैसे आप एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन, उसी के नीचे एक चेक लगा होता है, जैसे मेमोरी कार्ड होता है, उसी कार्ड के नीचे एक मेमोरी कार्ड भी लगाया जाता है। जो भी आप उसमें एंटर करते हो इंफॉर्मेशन, सारा किसी में रिकॉर्ड होता है, उसके लिए जो मेमोरी कार्ड।